सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो भाई, ये हमारी सीसेस सीरीज का पार्ट नंबर 15, जिसमें हम बात करेंगे ओवरलैपिंग एलिमेंट्स। जब भी हम सीसेस पोजीशन यूज़ करते हैं तो कोई ना कोई एलिमेंट एक के ऊपर एक आ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे इमेज है, उसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा है। तो आप ये चीज़ डिफाइन कर सकते हो कि टेक्स्ट पीछे आए, इमेज ऊपर आए, या इमेज पीछे आए, उसके ऊपर टेक्स्ट आए। तो इसके लिए गाइज हम यूज़ करते हैं जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को। तो नॉर्मल अगर आपने देखा हो, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस आपने देखा हो बाहर को निकल के आया, तो ऐसे ही जो एलिमेंट आपको फ्रंट पे दिखाना है उसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू जो ज़्यादा होगी वो फ्रंट पे दिखेगा। बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स जो होता है वो ऑटो होता है, और ऑटो की जो वैल्यू होती है कॉरस्पेंड करती है उसके, तो बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू होती है इस जेड इंडेक्स की। अगर आप इस इमेज को सेलेक्ट करो और इसका जेड इंडेक्स -1 कर दो तो ये इमेज पीछे हो जाएगी, तो टेक्स्ट अपने आप ऊपर दिख जाएगा, जैसा कि इन्होंने इस एग्जांपल में जेड इंडेक्स -1 किया है। लेकिन अगर आप जेड इंडेक्स को यहाँ पे -1 की जगह आप 1 कर दोगे तो क्या होगा, टेक्स्ट पीछे जाएगा और उसके ऊपर इमेज आएगी, तो जिसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऊपर दिखेगा। सो इसका रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ। और जैसे देख सकते हो, यहाँ पे नैव बार है। अब देखो, अगर आप नीचे को स्क्रॉल करते हो कई बार, तो अगर कोई जैसे देखो कोई इमेज है, कुछ भी है, देखो मैंने नीचे गया, कई बार क्या होता है, जो आप ये देख रहे हो ये पेज चल रहा है, ये पेज इसके ऊपर को आता है, तो जब हम नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नीचे हो जाए और ऊपर वो आ जाए, ऊपर मेन्यू ही रहना चाहिए। तो उसको हम जेड इंडेक्स 1 दे देंगे या उसको -1 दे देंगे। तो गाइज ये भी इसका सिनेरियो होता है, प्रैक्टिकल सिनेरियो। या आप कहीं पे फॉर्म बना रहे हो, बैकग्राउंड ले रखा है, तो आपको चाहते हो बैकग्राउंड ऊपर दिखे या वो पीछे दिखे, मतलब जो बैकग्राउंड पीछे दिखता है सब ऊपर दिखा देते हो, बहुत सारे सिनेरियो जहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी को। बट गाइज इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जेड इंडेक्स को समझने के लिए आपको पहले पोजीशंस को समझना होगा, तभी आपको क्लियर होगा। क्योंकि पोजीशंस में जब कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं, इधर से उधर सेट करते हैं, तभी एक एलिमेंट एक के ऊपर एक आता है और हम तब डिफाइन कर सकते हैं कौन सा ऊपर दिखे और कौन सा पीछे दिखे। तो ये वाला सीसेस सीरीज का पार्ट नंबर 14 आपके लिए है, आपको जरूर देखना है तभी आपको क्लियर हो पाएगा। और ये पूरी सीरीज हम स्टार्ट से W3 स्कूल से एक एक प्रॉपर्टी लेके और प्रैक्टिकल लाइव दिखा रहे हैं, तो आप पूरी सीरीज फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइज हमारे यूट्यूब चैनल को, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के और आप कुछ नया नया सीखते रहेंगे। सो चलिए गाइज, देर किस बात की, तो हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो पे। तो जब भी व्हेन एलिमेंट्स आर पोजीशन, जब भी हम एलिमेंट्स को पोजीशन करते हैं, दे कैन ओवरलैप अदर एलिमेंट्स, एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है स्टैक ऑर्डर, यानी जो सबसे ऊपर दिखेगा, ऑफ एन एलिमेंट, विच एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, यानी कौन सा आगे दिखेगा, और बिहाइंड अदर, या कौन सा पीछे दिखेगा। किसी भी एलिमेंट जो है उसे हम गए पॉजिटिव या नेगेटिव स्टैक ऑर्डर दे सकते हैं। ओके, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है, टेक्स्ट है और पीछे इमेज है, बिकॉज इमेज हैज़ जेड इंडेक्स -1, क्योंकि इमेज का जेड इंडेक्स हमने दिया है -1, तो माइनस में है, वो कम है, तो वो पीछे दिखेगा। तो यही रीज़न है, इमेज पीछे दिख रही है, उसके ऊपर कहीं ये टेक्स्ट दिख रहा है। अगर मैं इस एग्जांपल के ट्राई इट योरसेल्फ पे जाऊँ और आपको कोड भी समझाऊँ और फिर हम चेंज करके देखें, तो गाइस मैं आपको बहुत सिंपली बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, इमेज ली है और विथ और हाइट सेट कर दी, फिर क्या किया इन्होंने IMG को सेलेक्ट कर लिया, पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जब इसका कोई पेरेंट नहीं है तो ये सबसे ऊपर से लेगा, टॉप 0, लेफ्ट 0 से। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट पोजीशन एब्सोल्यूट दी, तो उसके बाद आप लेफ्ट टॉप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था सीरीज के पार्ट नंबर 14 में, जिसमें हमने पोजीशन समझाया है, तभी आपको ये सब चीज़ क्लियर आएगी, वरना आपके सिर के ऊपर से जाएंगी। सो प्लीज़ पार्ट 14 ज़रूर देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे लेफ्ट 0, टॉप 0, तो देखो लेफ्ट 0, टॉप 0, तो ये इमेज ऊपर आ रही है, साथ ही साथ जेड इंडेक्स है -1, तो इमेज का -1 है, तो माइनस वाली वैल्यू पीछे रहेगी और ऊपर वो टेक्स्ट दिख रहा है जो नॉर्मल लिखा हुआ था। बट अगर आप यहाँ पे कर दो गाइज 1, अब क्या होगा, इमेज ऊपर आएगी। सो गाइज आप देख सकते हो इमेज ऊपर आ चुकी है और पीछे टेक्स्ट आ रहा है। देखो दिस इज ए हेडिंग था, तो दिस इज वो जो है छुप चुका है, क्योंकि वो टेक्स्ट अब पीछे दिख रहा है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऊपर दिखेगा, जिसकी कम होगी जेड इंडेक्स की वैल्यू वो पीछे दिखेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ फंडा है नहीं। ओके, तो हम क्या करते हैं गाइज, ऐसे ही एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम। तो मैंने HTML बॉडी वॉडी सब बना रखा है, IMG SRC लिया मैंने, और मेरे फोल्डर पड़ा है इमेजेस में, मेरी एक इमेज पड़ी है my2.jpg नाम से एक्सटेंशन है, ठीक है। तो नॉर्मल ये HTML का स्ट्रक्चर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, तो हम सेव करते हैं इस प्रोग्राम को। तो क्लास 15 और यहाँ पे zindex.html नाम से हम करते हैं सेव।
तो अगर हम अब करते हैं गाइज लॉन्च इन क्रोम, तो अब क्या होगा, इमेज का साइज़ आ जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि हमने साइज़ डिफाइन किया नहीं, तो साइज़ को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने विड्थ कर दी सपोज़ करो 150 पिक्सल, और हाइट भी कर दी गाइज मैंने 150 पिक्सल। बाकी आप आल्ट वगैरह प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, तो वो मैं अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा, क्योंकि तो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गई इमेज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं गाइज, अब हम इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने इमेज सेलेक्ट की, ठीक है, और हमने पोजीशन दे दी, ठीक है, एब्सोल्यूट टॉप से दे दिया 0, और हमने लेफ्ट से 0 तक सबसे ऊपर वाला है कोने में, ठीक है। तो हमने टॉप से 0 दे दिया, लेफ्ट से 0 दे दिया। तो अगर हम कंट्रोल एस किया यहाँ पे, सपोज हमने कुछ लिखा हेलो फ्रेंड्स आई एम अतुल शर्मा, ठीक है, पैराग्राफ कर दिया हमने क्लोज, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे आई और हमने कर दिया गाइज रिफ्रेश। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो इमेज है और देखो यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है, बट आप देख रहे हो ये इमेज है और यहाँ पे देखो पैराग्राफ आ रहा है। अब देखो अगर आप चाहते हो टेक्स्ट ऊपर आए, इमेज पीछे जाए, या टेक्स्ट ऊपर आए या इमेज ऊपर आए, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। जैसे कि गाइज अगर आप यहाँ पे लिख दो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी लगा दो इमेज पे, तो इमेज को आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट ऊपर दिखाना है, तो जेड इंडेक्स कर दो आप -1, तो इमेज पीछे हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम होगी जेड इंडेक्स की, वो पीछे हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो गाइज आपके सामने हेलो फ्रेंड्स आई एम अतुल शर्मा आपके सामने दिख रहा है। बट यही सेम जगह अगर आप गाइज क्या करो, आप यहाँ पर लिख दो 1, तो क्या होगा कि अब इमेज ऊपर आएगी और वो टेक्स्ट छुपा रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज ऊपर आ चुकी है और टेक्स्ट उसके पीछे है गाइज। तो ये होती है गाइज जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। आई होप आपको क्लियर हुई होगी थोड़ी। ओके तो हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है एन एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट की ग्रेट स्टैक ऑर्डर होगा, बड़ा होगा, तो वो फ्रंट में आएगी, और लोअर जिसकी होगी -1, जिस वैल्यू कम थी वो पीछे आएगा। तो अगर टू पोजीशन एलिमेंट ओवरलैप विदाउट ए जेड इंडेक्स, अगर दो पोजीशन एलिमेंट है यहाँ पे देखो एक ही था, तो अगर दो एलिमेंट ऐसे मान लो एक और डिव लिया, तो जेड इंडेक्स अगर आप स्पेसिफाई करोगे तो एलिमेंट जो भी पोजीशन होगा लास्ट में वो टॉप पे शो होगा। तो ये आप किस तरह से कर सकते हो, आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हो पोजीशन में, उसमें मैंने क्या किया है, एक डिव लिया रिलेटिव का, उसके अंदर दो एब्सोल्यूट के लिए हैं। तो आप ऐसे ही दो एब्सोल्यूट के लिए लेना रिलेटिव के अंदर, उस पार्ट को जरूर देख लो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप जेड इंडेक्स लगा सकते हो, पहले पे भी लगाना जेड इंडेक्स और दूसरे पे भी लगाना। फिर होगा क्या, मतलब पहले मत लगाना, तो नहीं लगाओगे तो क्या होगा, सेकंड वाला ऊपर आएगा, बाकी बाद में आपको जो ऊपर दिखाना होगा वो दिखा ही सकते हो जेड इंडेक्स की हेल्प से -1 करके। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर दो पोजिशन ओवरलैप करते हैं, दो पोजिशन एलिमेंट विदाउट जेड इंडेक्स, तो जो एलिमेंट लास्ट में होगा वो टॉप पे दिखेगा, सिंपल सा लॉजिक है, तो आप देख सकते हो। अब हम आते हैं गाइस पोजीशनिंग करना टेक्स्ट को इन एन इमेज, किसी भी इमेज में टेक्स्ट को पोजीशन करना, तो हम ये सीख लेते हैं, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो एक इमेज है और इसकी ओपेसिटी इन्होंने कम कर रखी, तो ये इतना थोड़ा इतनी डार्क नहीं दिख रही, जो ये लाइटनेस दिख रही है वो ओपेसिटी प्रॉपर्टी से ही कंट्रोल होती है। 0 से 1 के बीच में आप वैल्यू दे सकते हो ओपेसिटी की, तो इन्होंने 0.3 या 0.4 करीब दे रखी होगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट सेट कर रखा है टॉप लेफ्ट पे, और यहाँ पे टॉप राइट पे, टॉप पे और राइट पे, सेंटर पे और बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट। तो ये कैसे किया वो हम देख लेते हैं, नॉर्मल पोजीशन यूज़ किए हैं। तो लास्ट वीडियो जरूर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वरना ये वीडियो बेकार की है अगर आपको लास्ट वीडियो समझ में नहीं आई। तो उसमें सब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हुई है पोजिशन, उसके बाद ही ये टॉप लेफ्ट वो सब राइट बॉटम सब लगा के ये सब सेट हुए हैं, ठीक है। तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो टॉप लेफ्ट वाले पे मैं ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ पहले ही। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप पे लेफ्ट पे आ रहा है इमेज का टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है समझ लेते हैं गाइस, इन्होंने क्या किया देखो हम समझ लेते हैं। डिव लिया है और डिव की क्लास दे दी कुछ भी कंटेनर, उसके अंदर इमेज ले ली और विथ और हाइट दे दी, ठीक है, और उसके अंदर एक डिव क्लास ले ली टॉप लेफ्ट। फिर क्या किया कि कंटेनर की पोजिशन दे दी रिलेटिव, जो सबसे बाहर वाला है उसके अंदर जो है टॉप लेफ्ट उसकी एब्सोल्यूट दे दी। तो वो अगर हम टॉप लेफ्ट बॉटम कोई प्रॉपर्टी दोगे तो वो अब रिलेटिव के अंदर लेगा, तो ब्राउजर की स्क्रीन से ना ले, इसलिए हमने डिव के अंदर लिखा और मेन वाले को बना दिया रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट अपने नियरेस्ट पेरेंट को ढूंढता है, तो इस टाइम इसका पेरेंट कौन सा है, जो ये वाला डिव है,
टॉप लेफ्ट का कंटेनर डिव है, तो इसने यहाँ से लगेगी टॉप लेफ्ट प्रॉपर्टी, ना कि यहाँ से। अगर आप ये डिव के अंदर नहीं लिखोगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर आप एब्सोल्यूट लगा के टॉप वगैरह कुछ भी दोगे। तो इसीलिए इन्होंने ये चीज़ किया ताकि ये इसके अंदर इमेज के अंदर सेट कर सके। तो पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट और टॉप से 8 पिक्सल, तो देखो टॉप से ऊपर से 8 पिक्सल और देखो लेफ्ट से है 16 पिक्सल। टॉप लेफ्ट पे करना, टॉप से 8, लेफ्ट से 16। अगर कम करोगे तो इधर को आएगा मिला हुआ, तो आपको थोड़ा सा दूर से तो दूर रख सकते हो। बाकी फिर उन्होंने फॉन्ट साइज दिया, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज बढ़ा रखा है ओके। और इमेज को इन्होंने क्या किया, विथ देखिए 100%, तो यानी पूरी ये ले लेगा ओके विथ 100%। और व्यू पोर्ट के बेस पे और नॉर्मल हाइट क्या है विथ ले इसकी 100% टोटल, और हाइट क्या है ऑटो हाइट। अगर आप 300 पिक्सल 400 पिक्सल अगर कंटेंट बढ़ जाएगा तो वो उसके अंदर नहीं आ पाएगा और वो बाहर आएगा है ना, या ओवरफ्लो होगा। लेकिन अगर आप हाइट दोगे ऑटो तो ब्राउज़र वो अपने आप देख लेगा, तो वो जितना भी विथ ऑटो उसे हाइट मिलेगी आगे कंटेंट ऐड होगा वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो हाइट ऑटो हम इसलिए यूज़ करते हैं। ओपेसिटी यहाँ से रखिए 0.3, वही रीज़न है पीछे जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है वो आपको ऐसा दिख रहा है। अगर मैं 0.3 की जगह कर दूँ 0.9 ओके, तो अगर हम अब रन करते हैं तो अब देख सकते हो कितना डार्क दिख रहा है ओके। तो इस बेस पे गाइस ये प्रॉपर्टी चलती हैं। तो हमने ये किया और रन किया, तो देख सकते हो टॉप लेफ्ट पे आपको ये पोजीशन हो चुका है ओके। तो आप भी गाइस इस बेस पे कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक में क्या किया है, टॉप राइट पे किया है। टॉप राइट में क्या है, सिंपल था, इसमें टॉप लेफ्ट था, टॉप और राइट से लगाना, तो टॉप से 8 और राइट से दे दो तो टॉप राइट पे लग जाएगा, सिंपल सा। बाकी सेम लॉजिक, बिल्कुल सेम लॉजिक है, कुछ अलग नहीं है ठीक है। और ये है बॉटम राइट, तो इसमें भी सिंपल सेम लॉजिक है, बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं बता देता हूँ। बॉटम और राइट से लगा दोगे तो बॉटम राइट हो जाएगा, तो जितने पिक्सल देना हो उतना पास से दूर से। अब हम इसके बाद जाते हैं, अब देखो यहाँ पर आ गया है सेंटर्ड वाला ठीक है। तो ऐसे क्या हो सकते हो, यहाँ पे समझा देता हूँ पोजीशन रिलेटिव ले ली मेन कंटेनर की, फिर एब्सोल्यूट टॉप से 50% ठीक है। तो जितना भी होगा उसकी गाइस विथ, तो ये देखो हाइट इसमें को 50%, तो टॉप से 50% हो गया, नहीं बीच में को आ गया। और विथ 100% दे रखी है ठीक है। और देखो टैक्स लाइन है सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा ऐसे, और टॉप से ऐसे हमने 50% दिया तो वो बीच में को आएगा। और फॉन्ट साइज दे रखा है और नॉर्मली टेक्स्ट लाइन से हॉरिजॉन्टली आ गया, और टॉप 50 से ऐसे वर्टिकली ऊपर से आ गया, तो वो उस बेस पे गाइस वो सेंटर में दिख रहा है ओके। तो इस चीज़ को भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम न्यू आते हैं और जल्दी से, यार मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। बॉडी बॉडी क्लोज ठीक है, और HTML क्लोज, यहाँ पे हम लिखते हैं IMG SRC लिखता हूँ गाइस मैं, इमेजेस तो हमने लिया डिव, क्लास ले लिया हमने कंटेनर ठीक है, हम डिव क्लास ले लिया कंटेनर, और बाद में कर देंगे डिव को क्लोज। यहाँ पे देंगे IMG SRC, यहाँ हम दे देंगे इमेजेस के अंदर my2.jpg ठीक है, और हमने यहाँ लगा दिया और इतना कर लिया, इमेज शो हो जाएगी ऐसे करके। और अब अगर हमने इसके अंदर एक और डिव लिखते हैं, डिव क्लास इक्वल टू सपोज करो सेंटर ठीक है, तो हमने डिव क्लोज कर लिया और डिव के अंदर कुछ भी लिखा था सेंटर सेंटर ठीक है। और हम क्या करते हैं, इतने को सेव करते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं इसे लाइव बना रहा हूँ, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो center.html लिखा, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, देखो ध्यान से HTML हेड और टाइटल, टाइटल हमने लिख दिया CSS पोजीशन, तो यार पोजीशन के आगे कट हो गया, हेड क्लोज किया ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज, इंटरनल स्टाइल सेट हम लगा रहे हैं, तो स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज हो गया। अब देखो कंटेनर की क्लास दी है तो डॉट लगा के एक्सेस कर लोगे ठीक है। कंटेनर की हमने पोजीशन दे देंगे गाइस रिलेटिव विथ दे देंगे गाइस हम 100%, हाइट दे देंगे हम ऑटो। तो इतना रन करते हैं पहले और देखते हैं कि क्या होता है हमारे प्रोग्राम में। तो अगर हमने अब रन किया तो देख सकते हो कि विथ 100% और हाइट ऑटो, सो गाइस हमने विड दे दी 100%,
और हाइट हम दे रहे हैं ऑटो, देखते हैं ब्राउज़र पे क्या मिलता है। तो ये हो रहा है अभी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं गाइस, ओपेसिटी कर देते हैं, उसमें भी ओपेसिटी थी ना, ओपेसिटी कर देते हैं 0.3। तो अगर हमने ओपेसिटी कर दी गाइस 0.3, तो अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो कि कितना हल्का या डार्क दिख रहा है। तो ये बेकार लग रहा है ऐसे, तो 0.7 करके देखते हैं। तो हम अब रन करते हैं ब्राउज़र पे आके, तो अब देखो 0.7 पे भी ठीक लग रहा है। अब देखो ऐसे कि अब हमें सेट करना है, तो अब हम नीचे आते हैं। अब कि ये किसमें है, सेंटर है, तो हमने सेंटर को एक्सेस करेंगे। अब तो हमने लिखा डॉट सेंटर, ठीक है, तो हमने डॉट सेंटर लिख दिया। अब हमें इस पर लगना है, तो पोजिशन कर दी गई मैंने एब्सोल्यूट। तो अब ये, अब हम टॉप बॉटम वगैरह प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो अगर मैंने टॉप से कर दी गई, सपोज़ करो 8 पिक्सल, ठीक है, तो अभी देखना कि क्या होता है। तो देखो टॉप से किया मैंने 8 पिक्सल, ध्यान से देखो टेक्स्ट नीचे था, ऊपर आ गया, क्योंकि हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, तो वो इसके बेस पे लेगा, इसकी पोजीशन रिलेटिव है। ओके गाइस, तो वो ऊपर वाले रिलेटिव के बेस पे लेगा। तो टॉप से हमने कर दिया 8 पिक्सल, सपोज़ करो अगर आप लेफ्ट से कर दो 16 पिक्सल, ठीक है, तो हमने लेफ्ट से किया 16 पिक्सल। तो अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो सेंटर यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर आप चाहते हो इसे सेंटर में लाना, तो ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं, आप टॉप से कर दो 50%, ठीक है, तो हमने टॉप से कर दिया 50%, देखो यहाँ पे आ गया है ना। अब देखो टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, तो हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप कर सकते हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और विड्थ कर देते हैं एकदम 100%, तो पूरे पे आएगा वो 100% से। तो हमने विड्थ कर दी 100%। सो ये देख सकते हो कि यहाँ पर देखो टेक्स्ट आपके सामने, देखो यहाँ पर आ गया है सेंटर्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, तो इस बेस पे गाइस आप ये चीज़ कर सकते हो कि अगर आप कहीं भी किसी पर्टिकुलर जगह पर दिखाना, तो मैंने आपको लाइव भी बना के दिखा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।